मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे पुलिस उलिस का किसी चीज का नॉलेज नहीं है। बेटा बेड पे है, मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है। अब बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग से कि मेरे सर। तो सर बेशक ये दुर्घटना हुई थी 11 तारीख को, एंड हमले से पहले मुझे धमकी मिली थी डाकू विलन नाम से, जिसने मुझे धमकी दी थी, एंड उन्होंने मुझे घर से उठवाने की बात की थी, एंड मैंने उसे मजाक में लिया, एंड इतना मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा। उसके दो दिन बाद मेरे पे अटैक होता है, एंड मुझे 7 से 8 बंदे मिल के घर पे आके घुस के मार के जाते हैं सुबह 6 बजे के आसपास, एंड उसके बाद मैंने पुलिस से हेल्प मांगने की कोशिश की कि मेरे पे जो भी हमला हुआ उसके भी जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। एंड ये सारी बात स्टार्ट हुई थी एक इवेंट से जो कि BGMI के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोग गलत लग रहे थे, तो मैंने उनके खिलाफ बोला कि ये मुझे बंदे गलत लग रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, कोई गाली नहीं दी, कुछ भी फालतू नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये मुझे कुछ इल्लीगल लग रहा है कि ये गेम के अंदर कुछ गलत कर रहे हैं और गलत तरीके से ऊपर आ रहे रैंकिंग के अंदर, जो कि मुझे गलत लगा, तो मैंने अपनी सिर्फ आवाज उठाई और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मुझे धमकियां मिलनी स्टार्ट हो गई कि तुझे हम घर से उठा देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे, तेरे साथ वैसा कर देंगे, और मुझे लगा कि चलो कोई हेटर हो गया ऐसा बोल रहे हैं। बट जब मेरे साथ ये सीन हुआ 11 तारीख को सुबह 6 बजे, उसके बाद मैं काफ़ी डर गया और मैंने वीडियो बना के डाली अपने चैनल पे हेल्प के लिए कि मुझे हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फादर साहब हैं नहीं, मेरे पे किसी का हाथ नहीं है, अभी अकेला घर में कमाने वाला हूँ, मेरी मम्मी है मेरे साथ, और इतना बड़ा हमला जिसके बाद मैं काफ़ी डर गया और मुझे अभी बहुत हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है, एंड मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले जल्दी से जल्दी। मैं सोई हुई थी तो बेटा इस कमरे में सोता है, मैं उधर बाहर वाले रूम में सोती हूँ। डॉगी मेरा खुला हुआ था, वो खुला ही रहता है, जब मेरा अंदर से गेट बंद रहता है डॉगी मैं खुला ही छोड़ती हूँ। तो हुआ क्या, उसने गेट खटाया, पारस पारस करके आवाज दिया, तो मैं पहले उठी, बत्ती जला के मैं अपना डॉगी को उस कमरे में बंद की, क्योंकि उस गेट खोलती है तो उसको पहले मैं बंद करती हूँ। बंद करने के बाद जैसे मैं गेट खोली, तो मैं जैसे गेट खोली तो देखे कि सबके हाथ में बड़े बड़े रॉड, तरपान, तलवार, सारा सामान लेके मेरे गेट के पास खड़ा था। तो मैं जैसे देखी फटाफट मैं गेट बंद करने लगी, उन्होंने मुझे जोर से धक्का मारा, मैं अपने गेट के पास गिर गई, और वहां से वो लोग सीधा इस कमरे में आया, ना उधर गया ना उधर गया, कहीं भी नहीं गया, इस तरीका से वो लोग आया, जैसे उनको पहले से पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने आया था, उनको पूरी जानकारी था कि हाँ पारस इस रूम में ही रहता है, और उसके घर में उसकी मम्मी और बेटा के अलावा कोई नहीं होता है, उसको पूरी इस चीज की जानकारी थी। उन्होंने घर घुसा, जैसे घुसने के बाद मेरा बेटा का सिर इधर था, पैर इधर था, सोया हुआ था, मैं जब तक उठूंगी भाग के आऊंगी, उन्होंने आते ही बच्चे के ऊपर मेरा सर लेने के बरसाना चालू कर दिया। मैं भाग के आई हूं, मैं आगे आगे से छेक रही हूं बच्चे को, हटा रही हूं, उन्होंने मुझे खींच के वापस गिरा दिया। मेरे बच्चे इतना मारा, ये 3-4 बंदे एक घर के मार रहे थे, एक बंदा यहाँ वीडियो बना रहा था, मारते हुए वीडियो बना के लेके गया, मेरे बच्चे को हाथ तोड़ दिया, नाक फोड़ दिया, इतना रट मारा पीछे, पीठ पर इतने निशान दिए मेरा। मैं यही चाहती हूँ आप आए, मेरी किस्मत है कि आप मेरे सपोर्ट करने के लिए आए, मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे पुलिस उलिस का किसी चीज का नॉलेज नहीं है। बेटा बेड पे है, मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं। अब बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग से कि मेरे साथ इंसाफ हो।